तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं फर्स्ट इम्प्रेशन ट्रेवलिंग चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत ऐसे गांवों की जहां सही मायने में भारत की रूह बसती है। दोस्तों, सुनने में थोड़ा पिछड़ा सा लगता है, मगर गांव की खुली हवा और हरियाली में एक अलग ही सुकून है। तो दोस्तों, आज आप लोग को बताता हूँ भारत के 10 ऐसे गाँव जिसमें भारत की रूह बसती। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों मलाना गांव की, जो हिमाचल प्रदेश में है। हिमालय की कुल्लू वैली में बसे इस गांव को दुनिया के सबसे पहले लोकतंत्रों में से एक माना जाता है। यहां की खूबसूरती इतनी सुंदर और हवा इतनी साफ है कि सांस लेने में ही दोस्तों नशा चढ़ जाता है। मलाना गांव भी एक टूरिज्म प्लेस है, बहुत दूर दूर से लोग जाते हैं इस गांव में घूमने के लिए और यहां की खूबसूरती देखने को बनती है। दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करते हैं लद्दाख का पनामिक हॉट स्प्रिंग गांव की। ये गांव आसपास के बर्फीले पहाड़ों के बीच बने गर्म पानी के सोते की वजह से मशहूर है, जहां बहुत ही दूर दूर से टूरिज्म इसको देखने आते हैं और यहां के वादियों में खो जाना चाहते हैं। ये भारत का अनोखा गांव है और इस गांव के बाद सियाचिन का ग्लेशियर आता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों तिब्बत गाँव। हिमाचल की स्पीति वैली में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे गांव में आता है, जिसका नाम है दोस्तों तिब्बत। 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित तिब्बत गांव कुदरत की सुंदरता देखकर लोग दंग रह जाते हैं। आसपास के नज़ारों में या तो भूरी जमीन दिखती है या सफ़ेद बर्फ से ढके पहाड़। इस गांव से होकर आप दुनिया के सबसे बड़े और ऊंचाई पर स्थित मठ में पहुँच जाते हैं। इस मठ की बनावट इतनी अनोखी है कि आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं पुअर गांव की। पुअर गांव दोस्तों केरल का समुद्र तट के पास स्थित है। दोस्तों, पुअर गांव जो है ये समुद्र के किनारे में स्थित है। अगर दोस्तों आप समुद्र तट का मजा उठाना चाहते हैं तो केरल का पुअर गांव जा सकते हैं अपने छुट्टियों में। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं चितकुल गाँव की। चितकुल गांव दोस्तों हिमाचल की कनौर वैली में बसा, भारत चीन सीमा बसा ये गांव भारत का ऐसा आखिरी गांव है जहां आप बिना परमिट के जा सकते हैं। हिमालय की गोद में स्थित अन्य गांवों की तरह इस गांव में भी घरों की छतें लकड़ी से बना हुआ है दोस्तों, जो पुरानी वास्तुकला की याद दिलाता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम लोग जुलुक गाँव की। जुलुक गाँव दोस्तों सिक्किम में स्थित है, जहाँ दोस्तों एक भी होटल नहीं है। भारत में इतने सुंदर गांव है कि आप घूमते घूमते थक जाएंगे। सिल्क रूट पर स्थित जुलुक भी एक ऐसा ही गांव है। इस गांव में कोई होटल नहीं है दोस्तों, इसलिए यहां आने वाले सैलानियों को यहां के स्थानीय लोग अपने घर में ठहराते हैं। यहां पहुंचने के लिए 32 खतरनाक मोड़ों से होकर गुजरना पड़ता है। अगर आप खतरों के खिलाड़ी है दोस्तों तो ये गाँव जा सकते हैं, रोमांचित सड़क का मजा ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं प्रागपुर गांव की। प्रागपुर गांव दोस्तों हिमाचल की कांगड़ा वैली में स्थित है। हिमालय की गोद में बसा ये साफ सुथरा गांव क्लाडगंज, पालमपुर और ऐसे कई टूरिस्ट स्पॉट के रास्ते में आते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की दोंग गाँव। भारत के पूर्वी छोर पर स्थित दोंग गाँव तीन देशों की सीमाओं के पास। इस गाँव के नज़ारे फोटोग्राफी के शौकीन लोगों को बेहद पसंद आता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं कलाप गांव की। कलाप गांव दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। कलाप गांव दोस्तों गढ़वाड़ की पहाड़ी में स्थित है और शहरी धूल धुआं नहीं, खुली हवा है यहां पे। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं लद्दाख के लमयूरू गाँव की। अगर दोस्तों आपको फोटोग्राफी का शौक है तो आप इस गांव में आपको दूर दूर तक बर्फीले पहाड़ या भूरी बंजर जमीन ही दिखाई देगी। यहां के सबसे बड़े और पुराने मठ के आसपास ही छोटे छोटे घर बने। यहां के स्थानीय लोग कहते हैं कि यहां की जमीन चांद की सतह जैसी लगती है, जिसका पता आपको इस गाँव में घूमकर ही लगेगा दोस्तों। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।